गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कई बार क्या होता है ना कि हमारा स्किन यू नो दे स्टार्ट एक्टिंग अप। वैसे मेरी नेचुरली स्किन अच्छी रहती है, लेकिन बीच बीच में फिर स्किन बहुत खराब हो जाती है। तो मैंने अभी देखा कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, इंटरनेशनल नेशनल सारे इन्फ्लुएंसर ना एक प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, विच इज हाइलोरोनिक एसिड। इतने सारे लोग बात कर रहे थे तो आई थॉट आई शुड ऑल्सो यू नो यूज इट इन माई स्किन एंड सी डज इट रियली वर्क, बिकॉज आई हैव अ ऑयली स्किन और ऑयली स्किन में डज हाइलोरोनिक एसिड एक्चुअली वर्क। सो आई टेस्टेड दिस प्रोडक्ट फॉर नियरली 10 days बिफोर मेकिंग दिस वीडियो। तो मैंने 10 days के लिए अच्छे से टेस्ट किया है एंड द प्रोडक्ट विच आई एम टॉकिंग अबाउट इज लॉरियल पेरिस हाइलोरोनिक एसिड। लेट मी शो यू द बॉटल। दिस इज Focus. Yeah, this is such a beautiful packaging of this bottle. USA में this is considered to be the first, मतलब number one serum, and now it is available in India. तो मैंने सोचा कि जल्दी से try कर लेते हैं and I will give you a brief review कैसा रहा, how to apply it, how to use it, and you know जो भी मैं अपने channel में दिखाती हूँ I have actually used it. And मुझे उसका रिजल्ट कैसा लगा आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल आई एम स्वप्निल, आई मेक ऑल काइंड ऑफ फैशन ब्यूटी रिव्यू मदरहुड लाइफ स्टाइल कॉन्टेंट। आई एम श्योर यू आर गोइंग टू इन्जॉय माई चैनल, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। हैव यू एवर हर्ड ऑफ हाइलोरोनिक एसिड? आई एम श्योर अगर आप थोड़ा बहुत भी रिसर्च करते हो अपने स्किन केयर से रिलेटेड, यू नो हाइलोरोनिक एसिड इज रियली गुड इन कीपिंग योर स्किन प्लम्प एंड क्लियर। So obviously we want a product जिसमें ना right concentration of hyaluronic acid हो, because you can't have a lot of hyaluronic acid in your face. तो L'Oreal Paris is a brand जिसको मैं actually trust करती हूँ। तो मुझे पता है कि उन्होंने इतने अच्छे से research करके किया है, तो that should be a good product. और जो मैंने जितने भी reviews देखे वहाँ से मुझे जो समझ आया कि the main product जिसकी वजह से ये product इतना successful है is hyaluronic acid. सारे dermatologist and skin care expert का HA actually favorite ingredient होता है, because this really does give you result. Concentration है, it's in right amount and it's not diluted. That's the best part. इसमें 1.5% hyaluronic acid है, which is the right amount I feel. और जो मैंने जितना भी research किया है, जिससे मुझे जो समझ आया है, that is the correct amount that you can apply in your face and get result. And can you believe they are claiming that it will give you more 42% more radiance? और क्या चाहिए यार, और क्या चाहिए seriously? Okay, so let me show you how I use it. Start, just apply 3 to 4 drops of this hyaluronic acid in your face, in your clean face. जब आपने अपना face wash कर लिया है, just apply it before moisturizer and massage it very gently into the skin as shown. अभी आपको यहाँ पे एक मैं b-roll चला दूंगी जहाँ आप देख सकते हो how I'm massaging. Massage it very gently in your skin and this is such a light formula. नॉन स्टिकी, वेरी लाइट फॉर्मूला, मतलब मुझे ये लगाने के बाद आई रियली डिड नॉट इवन फील कि मेरे फेस में कुछ है। एंड आफ्टर दैट ऑब्वियसली कंटिन्यू विथ योर मॉइस्चराइजर, कंटिन्यू विथ योर सनस्क्रीन, अप्लाइड इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग। बेस्ट विल बी अप्लाई 2 times टू एक्चुअली सी द रिजल्ट। सो आई डिड सी अ रिजल्ट। मेरे इस साइड फेस में काफ़ी यू नो थोड़े दाग हो गए थे पिम्पल्स के एंड हाइपर पिगमेंटेशन के हो गए थे, एंड आफ्टर यूजिंग फॉर 10 days आई कुड 100% से कि काफ़ी रिड्यूस हुए हैं। सबसे पहली बात कि मेरा ना ऑयली स्किन है, तो ऑयली स्किन वालों को लगता है कि यार डू आई रियली नीड दैट मच हाइड्रेशन, लेकिन आफ्टर अप्लाइंग दिस आई फेल्ट माय स्किन वाज डीपली डिहाइड्रेटेड। और जब मैंने इसको अप्लाई किया इतने अच्छे से हाइड्रेट हो गया, आई रियली कांट इवन टेल यू। आफ्टर अप्लाइंग फॉर 5-6 days आई फेल्ट कि मेरा ऑयल कंट्रोल भी बेटर हो गया, मतलब स्किन बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी ऑयली नहीं हो रहा था एंड माई स्किन स्टार्टेड लुकिंग वेरी फ्रेश। बेस्ट पार्ट इज, कई लोग इस बात से बहुत कंसर्न रहते हैं डज इट कंटेन एल्कोहल और पैराबिन, इट डजंट कंटेन ईदर ऑफ देम। जस्ट टॉक अबाउट द पैकेजिंग, L'Oreal का पैकेजिंग वॉज ऑलवेज गुड, बट आई थिंक नाउ डेज दे हैव इम्प्रूव द पैकेजिंग टू अनदर लेवल। ग्लास जार है, प्रॉपर ड्रॉपर है कि आप अच्छे से अपने स्किन में लगा सकते हो, इट विल नॉट बी मेसी। और ऑल्सो इट फील्स वेरी लग्जूरियस, जब भी ऐसे ग्लास जार होता है ना, सो इट गोज ऑन टू शो कि जो भी ब्रांड है उसने एक्चुअली दे हैव मेड श्योर कि पैकेजिंग अच्छा है, यूजर एक्सपीरियंस अच्छा है। सो दैट इज अ प्लस फ्रॉम माई एंड।
और किसी भी प्रोडक्ट का ना, नॉट जस्ट दिस प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट का आपको डिफरेंस तभी समझ आएगा व्हेन यू यूज इट फॉर लॉन्गर. यू ट्राइड इट एंड इफ यू लाइक दिस प्रोडक्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. इट वुड मीन अ लॉट टू मी. ऑब्वियसली मैंने अभी तक प्राइसिंग तो बताया नहीं है. सो दिस इज अवेलेबल इन टू साइजेस, 15 ml एंड 30 ml. तो मेरे पास 30 ml है. 30 ml कॉस्टेड मी अराउंड 999 रुपीज एंड 15 ml इज फॉर 499. सो इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट विद अ स्मॉल बॉटल यू कैन गो फॉर 500. 500 इज रियली वेरी अफोर्डेबल फॉर एनी स्किन प्रोडक्ट, क्योंकि स्किन प्रोडक्ट में यू नीड टू इन्वेस्ट सम मनी टू गेट गुड रिजल्ट. इफ यू वॉन्ट आई कैन लिंक द प्रोडक्ट इन माई डिस्क्रिप्शन बार बिलो, यू कैन चेक इट आउट. डेफिनेटली लेट मी नो ये वीडियो कैसा लगा, इसका कॉन्सेप्ट कैसा लगा, ये रिव्यू कैसा लगा. एंड आई हैव ट्राइड इट एंड आई रियली लव्ड इट. दिस इज अ ये प्रोडक्ट फॉर मी. एंड या डू लेट मी नो हाउ डिड यू फाइंड दिस वीडियो. एंड until then I'll see you in my next video. Till then stay happy, stay grateful. Bye.